गाइस, इट्स अक्षित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है ये है हुंडई ग्रैंड आइटन का ओनरशिप रिव्यू, जो कि 6 साल का ओनरशिप रिव्यू है, जो काफ़ी मायने रखता है मेरे हिसाब से बाकियों के लिए। तो अपने जानकारी में एक गाड़ी थी और इस गाड़ी के ऊपर मैं 2-3 वीडियो पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आज इस गाड़ी का एक डेडिकेटेड वीडियो है, एक ओनरशिप रिव्यू कि क्या 2020 में जब इतने सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तब भी जो इसके ओनर हैं वो क्या आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि अभी भी आपको हुंडई में जाना चाहिए ये, या इसके अलावा कुछ जैसे मतलब सबसे मजबूत गाड़ियाँ जो आ रही हैं, सबसे मजबूत मैन्युफैक्चरर जो गाड़ियाँ बना रहा है, जैसे कि स्विफ्ट है और आपकी बलिनो है, ये सबसे मजबूत मैन्युफैक्चरर्स में आता है कि मतलब बस छूते ही और आप गए, तो इसको लेने में या हुंडई या टाटा किस में जाना चाहिए। तो सीधे बात करते ओनर से, ये एमआई मिश्रा जी हैं, तो थोड़ा प्रोफेशनल होने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो में, है ना। तो सर, ये गाड़ी कितने किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है? ये 18,000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है, और इसमें मैंने इसको ऑफ रोड भी चलाया है, ऑन रोड भी चलाया है, हाईवे पे भी चली है, विलेजेस के अंदर भी गई है, और इसको मैंने इलाहाबाद में भी चलाया है। मैंने कुंभ के टाइम पे मैं इसको लेकर गया था। हाँ, ये कुंभ पे इन्होंने पीपे पे पार कराए हैं, अगर कुछ फोटो वोटो मिलता है कहीं डालूंगा। पूरा गंगा मैंने पार कराई है इसको गाड़ी से। और पहाड़ों का कोई एक्सपीरियंस इसका? पहाड़ों पे अभी ये गाड़ी नहीं गई है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे लगता है ये पहाड़ों पे कोई दिक्कत नहीं देगी। सबसे जरूरी चीज भैया, गाड़ी ले ली, देती कितना है ये? मेरे को अभी दे रही है 17 से 16 मेरे को सिटी में दे रही है। 17 से 16 सिटी में है, तो हाईवे पे 23-24 के आसपास, 21-22 मैं कहूंगा 21-22 देगी। वो भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि कैसा आदमी कैसा ड्राइव कर रहा है। ओ, और यही क्यों लिया आपने उस टाइम पे? क्योंकि उस टाइम पे जो आज की स्विफ्ट है और तब की स्विफ्ट में जमीन आसमान का अंतर है, आपको भी पता है बिल्ड क्वालिटी। तो तब उस मजबूत बिल्ड क्वालिटी को छोड़ करके आप हुंडई में गए, आपने आइटन ली, ग्रैंड आइटन ली, जो कि आइटन और i20 के बीच में लाई करती है। सिर्फ ग्रैंड आइटन ही क्यों? ये मैंने इसलिए ली क्योंकि ये एक तो उस समय मैंने इसको प्री बुक किया था, मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैं गया था i20 की वजह से, लेकिन ये उस समय वहाँ पे लॉन्च पे खड़ी हुई थी, तो मैंने इसको पहले प्री बुक किया था, उसके बाद ही मैंने इसको लिया, क्योंकि ये उस प्राइस ब्रैकेट में मुझको वो ऑफर कर रहा था जो स्विफ्ट और वॉक्सवैगन वगैरह जैसी गाड़ियाँ जो हैं उनका बेस भी नहीं आ रहा था। वॉक्सवैगन तो बात नहीं करनी चाहिए। तो राइड कंफर्ट वगैरह कैसा है इसका? राइड बहुत स्मूथ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें डिटैचेबल वाले हेडरेस्ट नहीं है, बस इसमें बस एक यही दिक्कत है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 2020 में विल यू सजेस्ट दिस कार टू एनीवन? यस, आई विल सजेस्ट दिस कार। क्यों? क्योंकि इसमें अभी भी वही वैल्यू है जो पहले थी, इसमें खाली कॉस्मेटिक चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जितने इसके कंपटीटर्स आ रहे हैं, कंपटीटिव कंपनीज जो हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ कर दे रही हैं अपनी गाड़ियों में। एक तो पहली बात तो BS6 आ गई है, BS6 में तो आपको परफॉर्मेंस कभी नहीं मिलने वाली जो पहले मिलती थी। और एक और चीज है कि मतलब पहले इसमें गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं था कि आपको एयर बैग और ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन अब तो ये सारी चीजों को मैंडेटरी कर दिया गया है, तो अब इसमें आपको एयर बैग वगैरह भी मिलेगा। और हुंडई की भाई पुरानी आदत है कि वो सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस करता है, बाकी इंजन वाइज और बाकी मतलब जो स्पेक्स होते हैं जिनको बेसिकली इंसान एक कंसिडरेशन में रखता है, वो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आप 2020 में भी चाहते हो कि i10 लेनी है या ग्रैंड i10 या i20 लेनी है, हाँ, इसमें आपको आपको पता होगा कि एरा बंद कर दिया गया हो गई है, तो अब मैग्ना ही बेस है, ज्यादा बेटर है, क्योंकि एरा और मैग्ना में बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस था नहीं। हाँ। और मैग्ना का जो ऑफर कर रहे थे उस प्राइस में, मेरे हिसाब से वो जस्टिफाइड था, और अच्छा ही हुआ उन्होंने एरा बंद कर दी, क्योंकि एक तो वो क्लासिफिकेशन हो जाता है कि आपके पास एरा है और मैग्ना है, तो अब गाड़ियों पे नाम आता कहाँ पर है? वही तो, वो बेनिफिट है। अब तो उन्होंने वैसे भी हटा दिया कि क्या ग्रैंड है क्या ग्रहण है, सब हटा दिया है, कोई मैग्ना नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं, कोई आस्ता आस्ता ऑप्शनल पास्ता नहीं। तो अभी चलते हैं इसकी एक राइड पे, और मतलब इसमें केबिन नॉइज वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसमें केबिन नॉइज नहीं आता। मैं खुद टाटा वाला हूँ, तो मुझे पता है कि केबिन नॉइज किसको कहते हैं, तो आपने भी सुनी है ना? बिल्कुल, ये तो इन्होंने सब सिखाया अपने को ड्राइविंग। तो बाकी अगर इसका कोई स्पेसिफिक अगर किसी टेरेन का अगर फोटो या वीडियो कुछ मिलता है तो मैं उस पर शेयर करूंगा, शायद इनके पास पड़ा हो, वैसे सब कुछ डिलीट कर देते हैं। तो चलते हैं इसकी ड्राइव पे, और पहले इंजन स्टार्ट करके सुनाता हूँ आपको कि केबिन नॉइज है कि नहीं है। स्टार्ट करिए। ये केबिन नॉइज है, इंजन स्टार्ट हो गया है,
मेरे को हिसाब से मेरे को लग नहीं रहा कैमरा जस्टिस कर रहा होगा, लेकिन अंदर कोई आवाज नहीं है। थोड़ा सा रेव करेंगे। वाओ, तो ये है इसका इंजन नॉइज। अब चलते हैं थोड़ा बम्पी सिचुएशंस पे और देखते हैं कि वहां पर एक ऐसा काम करती है। अगर कोई बम्पी रूट मिलता है तो दिखाता हूँ, और बाकी चल करके इसका छोटा मोटा स्पेक्स और लेग रूम और हेड रूम वगैरह क्या करते हैं। चलिए यहाँ से निकलते हैं, ये दो प्रेमी पंछी जा रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं एक बार इसका टर्निंग रेडियस कितना है। तो ये आगे बहुत तीव्र मोड़ है, बेहतरीन। ओहो, दिवाली आ गई। एक और तीव्र मोड़, ये कैमरा के शेक के ऊपर मजा आएगा, क्योंकि इस समय मैं इमेज स्टेबलाइज्ड लेंस यूज नहीं कर रहा हूं, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा वीडियो शेकी हो। ये वाला जो झटका है इसको देखते हैं कि पता चलता है अंदर की नहीं। बहरली, आप यूपी में हैं ऐसे लोग मिला करेंगे, जैसे ये मैम जा रही हैं, नो फक्स गिवन। तो अब जरा बात कर लेते हैं एक बेसिक सी चीज की, जो एक गाड़ी खरीदने के पहले या किसी को गाड़ी सजेस्ट करते टाइम आपके दिमाग में रहती है। तो पहली चीज सर, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा है? इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी इकोनॉमिकली है, क्योंकि मैं इसको कहूँगा मैं इसको हर 6 महीने पे करता हूँ सर्विस, और मैं इसको सेल्फ करता हूँ। लेकिन अगर आप उसको आप इनके सर्विस सेंटर से कराते हैं तो आपकी कॉस्ट आती है 5000 के अराउंड। सर्विस सेंटर से अगर आप सर्विस करा रहे हो तो 5000 के आसपास सर्विस, जो कि मेरे हिसाब से इट्स नॉट वैलिड, क्योंकि वो करते कुछ नहीं, वो खाली चीजों को टॉप अप करते हैं। हाँ, अगर आपका बड़ी कोई चीज है, जैसे कोई पार्ट मिसिंग है या टूटा है या कोई फॉल्ट आ गई है, तो आप भले सर्विस सेंटर से कराएं, लेकिन मैं रिकमेंड ये नहीं करता कि सर्विस सेंटर पे जाने की जरूरत है। सिर्फ अपनी फ्री सर्विसेज वहां पर कराई हैं? मैंने सिर्फ फ्री सर्विसेज कराई, क्योंकि वो इनिशियल की फर्स्ट की होती हैं और वो जरूरी मेरे हिसाब से भी होती हैं, क्योंकि बाद में वारंटी की लकड़ी दे देते हैं। कल को मालूम पड़ा कंपनी ने कुछ चीजें ब्लॉक करके रखी हुई हैं, और उसके बाद वो थर्ड सर्विस में उसको ओपन करते हैं, तो वो चीज हो जानी चाहिए उनके, वरना वो कहेंगे वारंटी सर आपने बाहर से करी है तो गड़बड़ है वारंटी की लकड़ी। मैं इसको मैं बाहर से कराता हूँ तो मेरे को कॉस्ट आती है 28 to 3000 मैक्स टू मैक्स, बेसिक जो आपकी होती है 3000 कार की सर्विस। वो बार बुल खड़ी है वो ले लेती 2500, तो मतलब ये सिर्फ हाइप है कि हुंडई है तो ज्यादा सर्विस कॉस्ट आती है, या ऐसा कुछ नहीं है। कार जितनी भी है वो सब बेसिक अपना बेसिक कॉस्ट ही आती है, जिनकी 5000-6000 के आसपास आती है। अपने रवि सर के पास वो है डस्टर, तो डस्टर का भी जो सर्विस कॉस्ट वो बता रहे थे मेरे को, वो उतना ही बता रहे थे, 6000-7000। और उस टाइम पर भी आपको इस गाड़ी की जो की है मैग्ना, उसमें आपको सेंट्रल लॉक इनबिल्ट मिलता था, मतलब कंपनी फिटेड सेंट्रल लॉकिंग है इसमें, बाहर से नहीं कराया कि बाद में सोच रहे हैं कि चारों दरवाजे साथ में क्यों नहीं खुल रहे हैं, साथ में क्यों नहीं बंद हो रहे हैं। इसका इशू मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड।